अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज जो है सैमसंग गैलेक्सी की फ्लैगशिप डिवाइस को भी मिल चुका है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। सबसे पहले जो था सैमसंग गैलेक्सी A10e को मिला था इस मंथ यानी मई का सिक्योरिटी पैच अपडेट, और आज जो है सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ को भी मिल चुका है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। बात करेंगे इसी सिक्योरिटी पैच अपडेट के हवाले से और देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती हैं, अपडेट साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर क्या है, क्या चीज़ें फिक्स की गई हैं और सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा है, अपडेट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को पूरा दिखेगा, एंड तक दिखेगा। अगर आप लोगों के पास भी सैमसंग गैलेक्सी की S23 की कोई भी डिवाइस मौजूद है, S23, S23 प्लस या S23 अल्ट्रा 5G, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके डिवाइस के ऊपर मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा उन्होंने बताया कि आज फाइनली सैमसंग गैलेक्सी की फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर भी टॉप की जो फ्लैगशिप डिवाइस है उसको मिल चुका है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड, सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ को मिल चुका है मई का सिक्योरिटी पैच अपडेट। उस अपडेट का इमेज आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल चुका है। ये अपडेट इमेज जो है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G का है। यहाँ पर आप लोग बॉटम पर देख सकते हैं कि अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि UI वर्जन 5.1 जो है वो मिल चुका है ऑलरेडी हमारी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S23 के अंदर, और अब जो है 5.1 के साथ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है मिलने जा रहा है इस डिवाइस को। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वर्जन नंबर आप लोगों को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर सबसे पहला जो वर्जन नंबर है जो मिला है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G के लिए वो है S918BXX1AWD1। इसके बाद सेकंड वर्जन हमारे पास S918BUXM1AWC8। इसके बाद थर्ड लास्ट वर्जन नंबर है वो S918BXX1AWC8। तो यहाँ पर जो है ये तीन बिल्ड नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ की किसी भी डिवाइस के अंदर, और यहाँ पर इन बिल नंबर के साथ आप लोगों को जो अपडेट साइज़ मिला है वो 344.57 MB। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन 345 MB के अराउंड अबाउट ये अपडेट साइज़ है जो मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G की डिवाइस के अंदर। और यहाँ पर जो नीचे सिक्योरिटी पैच लेवल आप देख सकते हैं May 1, 2023 का है। जी हाँ फ्रेंड, मे का सिक्योरिटी पैच अपडेट फाइनली जो है वो रोल आउट कर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी की S23 फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S10e को मिला था, और ये यहाँ पर जो सेकंड डिवाइस है वो सैमसंग गैलेक्सी S23 है। नॉर्मली ऐसे होता है कि फिर सबसे पहले जो है वो फ्लैगशिप की किसी भी डिवाइस के अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज किया जाता है, मगर इस बार सैमसंग ने अपनी जो बिल्कुल बजट रेंज की डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S10e उसको मे का सिक्योरिटी पैच अपडेट सबसे पहले दिया, और सेकेंड नंबर पे जो है अपनी फ्लैगशिप डिवाइस यानी S23 सीरीज़ को जो है वो मे का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर की सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G की। अब थोड़ा सा ऊपर टॉप पे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर हमें चेंज लॉक क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो है द सिक्योरिटी लेवल ऑफ द डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ये सिक्योरिटी पैच अपडेट है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव की गई है। साथ ही साथ जो है द अपडेट इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स इम्प्रूव डिवाइस स्टेबिलिटी एंड बग्स फिक्सेस। डिवाइस की स्टेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया है, साथ ही साथ कुछ बग्स जो हैं वो फिक्स किए हैं। कितने बग्स फिक्स किए गए हैं, किस कंट्रीज़ के अंदर फिक्स किए गए हैं, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद जो है न्यू एंड और इम्प्रूव फीचर्स हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ फीचर्स जो हैं वो इम्प्रूव भी देखने को मिलेंगे। कुछ हो सकता है कुछ इम्प्रूव फीचर के साथ साथ आप लोगों को नए फीचर्स भी देखने को मिल जाएं। इसके बाद जो है फर्दर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, तो फर्दर डिवाइस की परफॉर्मेंस के अंदर भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड अपडेट मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G के अंदर। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी है डिवाइस की सिक्योरिटी जो है, और साथ ही साथ जो डिवाइस की स्टेबिलिटी और इसके साथ जो है डिवाइस की परफॉर्मेंस, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। टू मेक द मोस्ट ऑफ योर डिवाइस कैपेबिलिटी चेक फॉर अपडेट्स रेगुलरली सॉफ्टवेयर। तो अपनी डिवाइस की कैपेबिलिटीज़ को
और बढ़ाने के लिए आप रेगुलरली अपनी डिवाइस को चेक करते रहें। हो सकता है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो मिलता रहे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिले आप लोगों ने अपनी डिवाइस के अंदर उसको डाउनलोड इंस्टॉल लाजमी कर लेना है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लास्ट अपडेट के अंदर रह जाती हैं और हो सकता है कोई नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो है वो फिक्स हो जाएँ। तो फ्रेंड ये कुछ चेंज लॉग दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G की डिवाइस के अंदर। अगर आप लोगों के पास भी सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ की कोई भी डिवाइस S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा 5G के लिए इनमें से कोई भी डिवाइस मौजूद है आप लोगों के पास तो अपने डिवाइस को चेक करें, डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर आप लोगों को तमाम डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो तमाम रीजन के अंदर जो है वो मिल जाएगा। अब आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूँ कि ये अपडेट जो है वो कहाँ दिया गया है। तो फ्रेंड ये मेक अ सिक्योरिटी पैच अपडेट जो सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ को दिया गया है ये फ़िलहाल यूरोप में रिलीज़ किया गया है। यूरोप के बाद कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये कमिंग डेज़ के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जो है यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये अपडेट अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास S23 कोई जो डिवाइस यूरोप के अंदर अवेलेबल है तो आप डिवाइस को चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को ये अपडेट जो है वो मिल चुका होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये अपडेट मिला है या नहीं मिला और क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है और यहाँ पर एरर्स कौन से फिक्स की, यहाँ पर 70 सिक्योरिटी फ्लॉ जो है उसको फिक्स किया गया है सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ के अंदर मेरे सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर। तो क्योंकि सिक्योरिटी पैच अपडेट है तो डेफिनेटली जो ज़्यादा फोकस होगा वो सिक्योरिटी पर ही होगा और जितने भी फ्लॉज हैं उसको रिजॉल्व किया गया है इस लेटेस्ट मेक सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर। आप लोगों को ये अपडेट मिला या नहीं मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन भी हासिल करते रहा करें। आज की वीडियो में इतना ही, अपना के बहुत सारा ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।